फाइन सो so, अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस अल्काइल हैलाइड द अदर पार्ट फाइव बी पार्ट है ना वेयर एलिमिनेशन रिएक्शन आर कवर्ड सो आपने जो भी क्वेश्चन दिया है मैं उसको लेकर के एक एक करके डिस्कस कर दे रहा हूं तो देखो सबसे पहले सेकंड में हॉफमैन मैन सिडजेफ लेकर के मैक्सिमम सिडजेफ प्रोडक्ट विल बी ऑपटेन व्हेन

तो जो सबसे रिमूव हो जाए उसके ज्यादा क्लियर है क्योंकि हम वो एक तरीके से कार्बन और का स्टेबिलिटी टाइप ऑफ चेक करते थे नहीं मैंने बताया था वो ई टू ही होता है लिविंग मतलब ग्रुप लिविंग हाँ ग्रुप पुअर है तो हमें कार्बन उस कार्बन को चूज करना पड़ता है जिसपे थोड़ा पार्शियल स्टेबल हो सके तो बस वही चीज तो है यार एफ एफ सबसे बेकार लिविंग ग्रुप है उसके बाद क्लोरीन है फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन तो इसमें रिलेटिव कंपैरिजन करना है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रोमीन आयोडीन में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट आ जाएगा मैं ये बोल रहा हूँ जब आपको रिलेटिव कंपैरिजन करना है वो चाहे एक ही ज्यादा क्यों ना हो तो उसमें हमें जिस बे, बिहाफ पे वो अलग हो रहे थे उसका तो बेसिस यही है ना लिविंग ओके okay. मतलब क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते जा रहे हैं तो हम लाइक वो सीट से वाली और भी थोड़ा सा जा पाएंगे मतलब थोड़ा सा सही ही चाहे हाँ मतलब उधर की तरफ जाने का जरूरत नहीं है पार्शियल नेगेटिव वाले की तरफ जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से ही वो निकल जाएगा बाहर ठीक है चलो थर्ड हाँ देखो ये वर्ड बड़ा यूज होता है अच्छा किया तुम लोगों ने ये डाउट रेज किया हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन सो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब मैं अभी समझा दे रहा हूँ ये बहुत जगह आए. इसका मतलब होता है कि आर एन एच 2 को मिथाइल आयोडाइड CH3I इसके साथ एक्सेस में ट्रीट करना ताकि ये इस पे अटैक करे और आयोडीन निकल जाए और ये बन जाएगा हीट करने के बाद आर एन एच एन सी एस थ्री दोबारा फिर ट्रीट करोगे सी एस थ्री आई से तो ये बन जाएगा CS3, CS3. और फिर एक बारी ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा क्वार्टनरी तक तो बेसिकली मतलब ये होता है कि चाहे जो भी डिग्री हो उसको क्वार्टनरी सॉल्ट तक कन्वर्ट कर दो और क्वार्टनरी सॉल्ट करने के बाद भी रुकना नहीं है उसके बाद आपको मॉइस्ट ए टू के साथ ट्रीट करना है मॉइस्ट इसका काम क्या होता है इट विल कन्वर्ट दिस इनटू प्लस एनओवच माइनस हाइड्रोक्साइड सो बेसिकली जैसे ही वर्ड ना नाम ले एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का तो जहां पे नाइट्रोजन आपको दिखे उसको पहले तो क्वार्टनरी फॉर्म तक लेके जाओ सी एस थ्री सी एस थ्री डाल करके और उसके ऊपर प्लस डालो और OH बना दो क्वार्टनरी अमोनियम आई अब मेरे से एजी हो गया। आप कर लोगे ना, yes, ना? हाँ तो ये, है, है ये तो एजी टू ओ का काम बेसिकली ये होता है कि ये जो यहाँ पे आयोडाइड बन रहा था सी एच थ्री आई था ना तो लास्ट में आयोडाइड बनेगा आर नाइट्रोजन सी एच थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री एंड आई तो इस आयोडीन के साथ ए जी आई बनाएगा और अपना जो मॉइस्चर के साथ ओ माइनस टू था वो ओ OH एच के साथ लगा के यहाँ पे रिप्लेस कर देगा सो मॉइस्ट एजी टू का रोल बस इतना है आयोडाइड हटाकर ओ OH एच लगाना बस और कुछ नहीं है उतना ही याद रखो तो अब तो मेरे ख्याल से ये कर लोगे हो जाएंगे सर अब तो गर्म कर रहा है बेसिकली वही आपको बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है और इसको नाइट्रोजन को यहां दो बारी कराया देखो इसने मिथाइलेशन मतलब कि एक बारी जब ये बन चुका होगा फिर नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा एक बार हो जाएगा ना so, तो इसको फिर से एक बारी कन्वर्ट करा दो सी एस थ्री आई के प्रेजेंस में लेकर तो फिर ये क्वार्टनरी बन जाएगा और फिर दोबारा यहां से रिप्लेस कर दो पूरा निकाल दो बाहर तो इसका प्रोडक्ट बनेगा दिस वन Right, the first one, A. Sir, Did you guys? Sir, हाँ जी सर मैं कहने एक बार दोबारा बता दो देखो पहले तो अपने एकदम सिंपल सा समझो जो, जो नाइट्रोजन है वो लोन पैर रखा हुआ है यस सर तो अगर उसको मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट कराओगी तो वो क्या करेगा ये एस एन टू के लिए अच्छा सेंटर है तो ये लोन यस पेयर यहाँ अटैक करेगा और आयोडीन निकल जाएगा तो क्या बन गया वो जो भी नाइट्रोजन आपके पास था वो कैसा बन गया उसकी डिग्री इंक्रीज हुई या नहीं हुई नो सर अभी तो नहीं हुई क्यों नहीं हुई ये अभी टू डिग्री था अब थ्री डिग्री नहीं हो गया जी बोल दो बेटा अब देख अब फिर से मैं अगर इसको CS3I से ट्रीट करा हूं, तो क्या होगा अब तो हाइड्रोजन है ही निकलने के लिए अगर नहीं है निकलने के लिए तो फिर क्या होगा ये इसी पे आके रुक जाएगा सॉल्ट बना लेगा प्लस और आई माइनस अब इसी आई माइनस को हटा करके ओ एच माइनस लगाने का काम एजी करता है तो वो क्वार्टनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अब क्लियर उसके आगे का स्टेप तो मालूम है ना यस सर अब समझ आ गया यस yes, चलो गाइस ग्रेट सो मूव चलोग क्वेश्चन नंबर सिक्स सबसे आसानी से कौन डिहाइड्रेट होगा तो डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ओएच OH को निकालने के लिए क्या करते हैं याद तो करो डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं वी यूज एच प्लस एन हीटिंग यही ना सर तो यार जो सबसे स्टेबल कार्बोगटैन बनाएगा कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि बी का कार्बोगटैन तुरंत स्टेबल बनेगा जबकि डी में बनना डिफिकल्ट है बनने के बाद रियरेंज रे हो जाएगा yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए डी को स्लो रखना आप बी को ही सबसे फास्ट रखोगे कार्बोगटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल ठीक है इमिडिएट पहले क्या बन रहा है उसका ध्यान रखना होता है रीअरेंजमेंट करना भी अपने आप में एनर्जी कंजम्पन होता है तो तो yes, तो ये तो आसान क्वेश्चन था इसके बाद आपने यहाँ पूछा है देखो ये भी इजी है सबसे पहले तो आपने एच टू फोर डाला है तो इसको कार्बोक बना दो, बना दिया है सबने यहां yes, तक कितने लोगों ने किया है सबने किया यहां तक यस यस सर सर इतना स्टेप मेरे ख्याल से आप दिखाई देना चाहिए सबको ना कि यहाँ प्लस बना देना अब कितने लोग करेंगे कि सर ये प्लस बन गया तो प्लस बनने के बाद ये रे रिअरेंज हो सकता है अगर ये यह प्लस यहाँ आ गया अब पीछे तो जाएगा नहीं प्लस ना पीछे तो कहीं स्कोप ही नहीं है तो अब हमें मालूम है कि फाइव मेंबर रिंग अगर सिक्स मेंबर बन जाए अगर ये यह उठ के यहां आ जाए तो देखो ये क्या बन गया नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर फाइव और ये इधर जाके जुड़ गया वन यहां पे था टू थ्री फोर फाइव और यहां आ गया सिक्स तो दो सिक्स मेंबर ड्रिंक जुड़ तो क्या एक दूसरे में दिक्कत क्या है इसमें ऐसा बन गया लेकिन प्लस किस पे आएगा वन वाले पे आएगा यहाँ प्लस आ जाएगा अब उसके बाद आपने गर्म किया है गर्म 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 करने का मतलब कि एच निकल सकता है एलिमिनेशन हो सकता है दोबारा तो यहां अटैक करके यहाँ एलिमिनेशन बन गया तो मेरा आंसर आएगा कि दो बेंजीन बनाते हुए सॉरी बेंजीन निदो साइक्लोहेक्सेन बीच में पाई पाइरो यानी आई विल गो विद सी ऑल ऑप्शन क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल वही बन रहा है ठीक है यस सर तो ये इजी था बस इसमें रीअरेंजमेंट करा करके कार्बो कैटायन का पोजीशन सही से करना था और उसके बाद तो तुम्हें मालूम ही है कि मोर देन वन बीटा हो तो उसे हटाते हैं जिससे एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो. तो 13 वैसे हो गया था लेकिन 13 में जिंक का क्या काम है जिंक डस्ट का बताया तो था जिंक और मैग्नीशियम एक ही तरह का रोल होता है ओके okay, सर ना दोनों मेटल है दोनों जैसे RMGX बनता है वैसे ही वे RZN बन जाता है तो अगर अगल-बगल दो-दो हो तो एक जगह पे जैसे ही नेगेटिव आएगा दूसरे पे तुरंत अटैक कर देगा तो डीहेलोजिनेट हो जाता है ये एक ही हो तो जिंक बीच में जाके ट्रैप हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैग्नीशियम होता ओके सर अब क्या करना है बताओ तो? इसके बाद ये पंद्रह वाले में पंद्रह वाले में क्या डाउट है सर इसमें ये डाउट था कि जैसे जो रिएक्शन टू है उसमें हम डी हेलोजिनेशन नहीं कर सकते बेटा डी हेलोजिनेशन के लिए रिएजेंट कौन कौन से थे सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन मैग्नीशियम के साथ गर्म करना जिंक क्या इसमें कोई भी यूज हुआ है नहीं, सर। तो केओज का रोल है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ये एच पे अटैक करेगा हेलोजन पे क्यों अटैक करेगा नहीं, आगे वो देख के लगा कि सीएल ज्यादा इजीली नहीं निकल जाएगा एच के कंपैरेटिवली तो इसीलिए नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है तो देखो एच तो हमेशा सीएल के अपोजिट साइड में है ना तो दिक्कत yes, कहाँ होगी तो, मैंने बताया था कि इसमें क्राउडिंग नहीं होती ऊपर से जाके टच करके ही तो निकल आ रहा है ओके okay, सर तो डिहाइड्रो हम्म आइए नेक्स्ट देखते हैं सेवनटीन इसमें क्या परेशानी आई भाई आपने इटी ओ एच लिया क्या ये स्ट्रांग बेस है बेटा बताओ अरे मैं सब लोगों से पूछ रहा हूं इज इट अस्ट्रांग बेस दक्ष यस मॉड्रेट स्ट्रांग बेस है ये मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग साइड जाता है अच्छा, फिर ईटीओ माइनस गुड लिविंग ग्रुप होता तो ये बेकार नहीं हो जाएगा ईटीओ माइनस गुड लिविंग ग्रुप होता है ये तुम उल्टा कहानी नहीं बोल रहे हो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इज अर एसिड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है ये बेस स्ट्रॉन्ग होता है ईटीओ माइनस इटी एच कोई बेस ही नहीं है बाबा अरे ईटीओएच और एच टू ओ में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता रे तो ये बोलना इसको स्ट्रोंग बेस बोलने का मतलब है वाटर को स्ट्रोंग बेस बोलना क्या ये बात सही है बोलो यार तुम लोग नो सर फिर तो ये गलती कैसे हुई फिर दक्ष तुमको ये मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस दिखने लग गया है गलती, गलती, गलती। आज ही मैंने क्लास में समझाया था कि एल्कोहल वाटर ये सब बहुत बेकार एसिड होते हैं करते समय फिन के साथ तुम लोग सुबह का चीज शाम को भूल जा रहे हो तो देखो इटीओ एच इज पुअर बेस बट इटीओ माइनस इज base। बेस ऑक्सीजन इज अ पुअर डोनर इन न्यूट्रल स्टेट ओ माइनस हो तो तो डोनेट करेगा अब जब देखो पुअर बेस है ये बोलो भाई पुअर बेस है ना गर्म किया हुआ है तो कार्बोड बनेगा बोलो ना पब्लिक बनेगा या नहीं बनने के बाद क्या रीअरेंजमेंट होगा क्या तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होने वाला है अब इसका एच निकल जाएगा क्या तो स्टेबल ये बन जाएगा क्या अभी दैट विल आंसर ठीक है तो इट इज गोइंग थ्रू ई वन आ गया समझ में अरे किसका डाउट था भाई ये Yes, sir, आ गया चलो ठीक है आगे बढ़ते इन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ टू ब्रोमोब्यूटेन विच कंफर्मेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टू ब्यूटीन तो किसमें में सिस्टू बूटीन होता है कितना बढ़िया प्यारा एग्जांपल है यार दिक्कत कहते हैं तो इसमें किसमें सिस बनेगा हाँ? तो सबसे पहला चीज देखो सबसे पहले चीज तो आपको मालूम है कि ये कुछ ऐसे होना चाहिए ओरिएंटेशन एलिमिनेशन के लक्षण ही आया क्या डाउट सेशन में चलो तो देखो ऐसा होना चाहिए ओरिएंटेशन अब ऐसा होने का मतलब अगर इसको मैं न्यूमान प्रोजेक्शन में लूं तो कितने लोग कह रहे हैं सर आ, एक तरफ का एच इधर हो तो ब्रोमीन फिर एकदम नीचे हो डू यू गाइस एग्री यस सर तभी ना ये एंटी में जा करके अटैक करेगा ये निकल जाएगा बोलो यस yes, सर बस यार इसमें क्या दिक्कत था तो और रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म को हमें लेके आना है अच्छा इसने पूछा है विच कन्फर्मेशन लीड्स ना ये मैं देख रहा था यार ये तो मॉलिक्यूल एक ही है क्योंकि ये काइरल सेंटर है ही नहीं तो घुमाने पे तो घूम ही जाएगा तो यार यहाँ से दिख तो रहा है बेटा देख इधर अगर ये एच हटाएगा तो ये अटैक करेगा बैक साइड से तो ये निकल जाएगा तो तेरा देख ऐसा हो रहा है कि सी और सी दोनों सेम तरफ नहीं दिख रहे तुम लोग को यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा बीच में तो यस yes, सर तो ये ए वाला साफ साफ दिखाई तो दे रहा है कि ये सिस बनाएगा तो so ए वाले का आंसर ऐसे आएगा बेसिकली कि इधर सी एस थ्री यहां डबल बॉन्ड इधर सी एस थ्री बनने के बाद ये एच और बी आर एकदम एंटी है ना एक दूसरे के बोलो यस। yes, तो ये बनेगा ना सिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इमेजिन yes, करो थोड़ा थोड़ा तो सा दिमाग पे जोर डालो जब ये इधर की तरफ आएगा अटैक करेगा तो ये भी तो सीधा होगा ना बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा नहीं अगर समझ आ रहा है तो कल मॉडल से समझा दूंगा मैं लेकर के मतलब सी ट्रांस कौन सा सी ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं ये एच है ये जब इसके साथ अटैक करेगा तो भाई इधर सी एच थ्री है और इधर सी थ्री बिल्कुल ट्रांस बनेगा yes, ठीक है और कितने लोग कह रहे हैं अगर इस कन्फर्मेशन की बात किया जाए तो यहां रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि बी आर के अपोजिट में एच होना चाहिए वो है ही नहीं एच ये भी नहीं रिएक्ट करेगा तो ये दोनों कंफर्मर तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे मतलब अगर इस फॉर्म में रिएक्ट करेंगे वो तो खैर घूम जाएगा ना क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के वो रोटेशन पॉसिबल है आ गया बात समझ में सबको यस yes, सर आप देखो ये वही वाला केस आ गया जो मैंने बोला था कि ओएच OH है ओएच OH है और यहां सीएल है तो अटैक करा करके दोनों जगहों को पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो एस्टर में ओ सी डबल बॉन्डो सी एस थ्री नीचे वाला भी बन गया ओ सी डबल बॉन्डो सी एस थ्री अब उसके बाद गर्म करोगे तो याद करो ये पोर्शन और अल्फा बीटा बीटा वाला हाइड्रोजन ये निकलता है कुछ याद आ रहा है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में कौन सा कौन सा चीज निकलता है ये एन ये पूरा तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है बोलो भाई yes, तो बस बात खत्म हो गया ना फिर ये यहाँ लगेगा ये यहाँ लगेगा खत्म तो इसका आंसर कौन सा आएगा देख लो दिख रहा है ना इजी है बीफ बॉम्बे ट्वेंटी थ्री में देखो अगर इसको कार्बोकटैन बना रहे हो और रिंग को तोड़ करके लेके आ रहे हो तो यहां डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर एक जगह पॉजिटिव गर्म किया है तो एच जा करके निकल जाएगा चेक करो इसका आंसर बंजीन दिया ठीक है क्या? इसमें ये भी तो आसान था बेटा क्या दिक्कत था इसमें यहाँ प्लस लेके आया रिंग एक्सपेंशन करा दे और उसके बाद यह कार्बोकेट बनेगा तो एच प्लस को निकाल दो सीधा सीधा बेंजीन बन जाएगा फिर इसके अंदर ऐसा टाइप नहीं हो सकता था मतलब जैसे ए इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने क्लास में किया था ए उसका आंसर आ रहा था नहीं वो कब होगा ये चीज कब होगा जब यहां पे आप नेगेटिव क्रिएट करोगे टाइप का मतलब नहीं होता रे रेमोटू यहां लिविंग ग्रुप हो तब नहीं है नेगेटिव इस पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकलता है तो यहां बेस थोड़ी ना लिया है हमने देख लो रिएजेंट लेते ही कहानी बदल जाती है पूरी बोलना समझ आया यस yes, सर चलो फिर ठीक है देन दिस वन ये भी देखो उसी के जैसा है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के जैसा ही तो जब आप एन एच सी थ्री लोगे तो ये ब्रोमीन हटा करके ये ब्रोमीन हटा करके क्या बना देंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सबूशन करा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा एन सी एस थ्री सी एच थ्री एन सी एस थ्री सी एस थ्री आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बताओ ये बेरियम ऑक्साइड का क्या काम है तो जब आप रिएक्शन कराते हो ये लोन पे जब डोनेट करेगा तो यहां से बी आर माइनस निकलेगा और ये पॉजिटिव रहेगा तो बेसिकली ये रहता है अब इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेरियम ऑक्साइड लिया ताकि ये निकल जाए एच को निकाल ले जाए तो फाइनल इसका जो बनेगा बी तक तो बी विल बी दिस कंपाउंड अब उसके बाद दिख रहा है क्या है इजी है एग्जॉस्टिवेशन कराया है फिर से यहाँ सी एस थ्री यहां सी एस थ्री प्लस प्लस आयोडीन माइनस फिर सिल्वर ऑक्साइड लेकर यहां पे कर दिया है तो बेटा आई होप आप समझ गए होगे ना जब अब निकलेगा तो एक यहाँ पाई बॉन्ड एक यहाँ बॉन्ड इसका भी आंसर बेंजीन दिया होगा चक्कर yes, ठीक है तो इसको दोबारा देख लेना एक बार फर्स्ट थिंग इज आप यहाँ कंफ्यूज मत हो देखो यहाँ हीटिंग नहीं किया है और ऊपर से अमाइन आर नॉट वेरी गुड मॉडरेट बेस ही होते हैं तो इसलिए एलिमिनेशन नहीं कराना यहाँ क्या कराना है यस सर yes, ठीक है सो so, ठीक है फिर आज का डिस्कशन यहीं पे मैं रोकता हूँ अगली क्लास में फिर थर्टी के बाहर देखो देखो आप जितना आपने कर लिया ना अच्छा एक चीज मैं ये समझा दे रहा हूँ देखो जो एच टू ओ टू है यहाँ पे विल तो डिग्री होता है ना आर एन आर इस थ्री डिग्री को अगर आप एच टू ओ टू के साथ लोगे तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है अमाइन ऑक्साइड बना देता है ये अमाइन ऑक्साइड कोप एलिमिनेशन तो ऑक्साइड तो बन गया उसके बाद गर्म करोगे तो कोप एलिमिनेशन बन जाएगा ठीक है तो चलो तुम्हारा एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है अब इसके आगे तुम लोग लेके चलो तुम्हारे ऊपर है ठीक है क्लास थैंक यू